कल्पेश मामा, अब ये कौन सी नई मुसीबत? अब ये कौन चिल्लाया? कल्पेश तू आया? महेंद्र भाऊ, ये कल्पेश तुआया कौन है? कल्पेश जो सगाई में आया था उर्मिला का कजिन है, और उसके साथ जो उसकी वाइफ है वो मेरी कजिन है, और दोनों बच्चे गायत्री के कजिन है। वो बरोबर है, वो मैं समझ गया, लेकिन ये लोग सामान विमान के साथ में आए हैं। वो क्यों आया मुझे पता नहीं अन्ना भाई, पूछना पड़ेगा। कल्पेश, अरे उर्मिला इधर क्या कर रहा है? मतलब अरे ये जीनल, मिनेश और जीनल की मम्मी सगाई में नहीं आए थे तो बुरा लगा होगा ना तुम लोगों को, इसीलिए शादी के लिए मैं सबको लेकर आया हूँ, है ना जीनल की मम्मी? हाँ मिनेश के पापा। ये साचो, अरे ये संभाल के खंबा टूट जाएगा। पर शादी को तो अभी बहुत टाइम है कल्पेश। अरे उर्मी बेन, तो हमको कहीं जाने की क्या उतावल है? क्या मिनेश ना पप्पा? हाँ जिनल नी मम्मी, अब तो शादी तक हम सब लोग इधर ही रुकेंगे। आहो मैं शांत ही हूँ। हेलो हेलो छोकरो, तुम बाहर निकलो। क्या बाहर निकलो, बाहर निकलो, मुझे तो मस्त मजा आ रहा है यहाँ पे। गायत्री मैं कहता हूँ तुम भी अंदर आ जाओ, देखो ना क्या माहौल है, बिने बिने अचार की खुशबू और तुम्हारी और मेरी मीठी मीठी बातें। सोचो गायत्री सोचो, ये रांझा लैला मजनू रोमियो जूलियट किसी ने भी इस तरह का रोमांस नहीं किया होगा कपाट में। जो हम करेंगे, हम एक नया इतिहास लिखेंगे गायत्री, नया इतिहास। इतिहास अंकल को पता चला ना तो तुम्हारी ज्योग्राफी बिगाड़ देंगे। बाहर आओ अभिषेक। अरे किसी को नहीं पता चलेगा, तुम अंदर आओ। तुम बाहर आओ अभिषेक। अरे बात तो सुन, अंदर आओ अभिषेक, बात सुनो, बाहर आओ। भाई अचार, अचार बेटा, तुम मेरे अच्छे अचार बेटा हो ना, बाहर आओ, बाहर आ जाना। गायत्री तुम अचार से बात कर रही हो? हाँ अचार नींबू मिर्ची सब में जीव होता है, सच्चे मन से बात करो ना तो वो सुनते हैं हमारी बात। आपको ट्राई करना है? उर्मिला हम लोग पहले गए थे तुम्हारे घर पे ही, लेकिन वहां जाके हम लोग को पता चला कि आजकल आप यहाँ रह रहे हो, तो हम लोग यहाँ आ गए। उत्तम। उत्तम नहीं कल्पेश, भूल गए? सगे में आया था, ये लोग नहीं आए थे तभी। ये मेरी वाइफ है रूपल, वो मेरे बेबी है जीनल, और वो मेरा बाबा है मिनेश। बेबी बाबा बुब। बरोबर। अरे क्या 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 हो गया भाई? अरे मोटा भाई पैर छू रहे आपके। हाँ है, लेकिन ऐसे मेरे पे छू करने से पहले मुझे जरा बता दिया करो। क्या क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मेरे बच्चों को ना आदत हो गई ऐसे पैर छूके दक्षिणा मांगने की, इसीलिए। छोकराओ हाथ नीचे। अरे हाँ बापा दे देंगे मोटा भाई। हाँ अरे हम कहाँ भागे जा रहे, यही तो रहने वाले, जाओ जाओ खेलो। यही आहो मैं शांत ही हूँ। वैसे ना मोटा भाई हम यहाँ आने ही नहीं वाले थे, कहाँ जीनल ना पप्पा? हाँ जीनिश की मम्मी। लेकिन फिर ना उर्मी बेन ने इतना फोर्स किया ना जबरदस्त कि रूपाल तू सगाई में नहीं आई थी ना, तो अभी तुझे एक हफ्ता अपने बच्चों के साथ मेरे घर आना ही पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ आ गए। उर्मिला इन लोगों को यहाँ क्यों बुलाया तूने?
मैंने तो हमारे घर बुलाया था महेंद्र, मुझे थोड़ी पता था कि हमारे घर की छत टूट के गिर जाएगी और हम ही लोग यहाँ आके रहने लगेंगे। मैंने ऐसा बोला था, तेरी बात बराबर है लेकिन ऐसे अचानक थोड़ी आ जाना चाहिए, मींस के ऐसा बता के आना चाहिए ना कल्पेश। अरे उर्मिला, अगर बता कर आते तो तुम्हारे चेहरे पे और समधी जी के चेहरे पे ऐसे खुशी देखने को कहाँ मिलती है। अन्ना भाई, अन्ना भाई, चेहरे पे खुशी नहीं, डर रखिए, वरना ये लोग यही रुक जाएंगे। मैं डर ही रहा हूँ, इनको मेरे चेहरे पे खुशी कैसे नजर आ गई क्या मालूम। देखो, हाँ हाँ कल्पेश, तू आ तो गया है बराबर है, लेकिन हमारे ही घर का रिपेयरिंग चल रहा है, तो हम लोग तो खुद ही समधी जी के घर पे रह रहे हैं, तो मैं क्या बोलती हूँ तू। अरे उर्मिला, समधी जी कौन से पराए है ना समधी जी। I'm मिनेश की पप्पा। मैं क्या बोलती हूँ रुपेश कपल, हम तीनों का यहाँ पे एडजस्ट होना वैसे भी मुश्किल हो रहा है, तो उसमें आप चारों अभी यहाँ पे आके रहने लगोगे तो परेशानी होगी, तो मैं आप लोगों का बंदोबस्त बाहर एकदम अच्छी सी बढ़िया होटल बिटल में कर डालती हूँ ना, है। हाँ हाँ, ये अच्छा है। हाँ हाँ बोलना अन्ना भाई, हाँ बोलना। हाँ, अभी आप देख लो आपके जोकर है। मुझे आपके मेहमान है, आप देख लो। हाँ मिनेश के पापा, उर्मी बेन ना बिल्कुल सही कह रही है, हम कहीं और जाके रह लेंगे, क्यों आपको भी तकलीफ नहीं होगी, है ना। हेलो छोकरो, अभी क्या हो गया। अरे हम जा रहे हैं, तो दक्षिणा तो दो। पॉकेट नहीं है मेरे पास। आहो मेहमान ऐसे ही चले जाएंगे अच्छा नहीं लगता ना। बरोबर है, बरोबर है। कल्पेश बिल्पेश, तुम लोग चाय भी पी के जाओ। हा? ये नाश्ता करने के टाइम में चाय भाई जमता नहीं। एकलस है ना जिनेल की मम्मी। हाँ मीने इसके पापा। अरे तो नाश्ता भी तैयार है, आप खा के ही जाइए। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, अचार हमारी बात सुनते, आप खुद बुला के देख लीजिए। वो सुनेगा, आप बुला के देख लीजिए, एकदम दिल से बुलाइएगा। बराबर कीजिए अचार बार बहारा बहारा अचार आना। ये तो सचमुच में बाहर आ गया। मैंने कहा था ना इन सब में जीव होता है, ये सुनते हैं हमारी बात। वहीनी क्या कर रही है आप, चलिए अचार लेकर, और गायत्री तू फटाफट और पराठे बना। चला बराबर। भारती भाभी आराम से, अचार डर जाएगा ना। सॉरी सॉरी अचार भाई, डरना नहीं है, मैं पराठे से मिलाती हूँ तुझे। अभिषेक अब तुम यहाँ से जाओ। नहीं तुम अंदर जाओ। अभिषेक आओ ना अंदर। अभिषेक 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 लौकर लौकर। निर्मिति पहले मेहमानों को दे। अरे ना ना बेन, अब तो मेहमान यजमान एक ही हुए ना, है ना जिनेल की मम्मी। हाँ मीने इसके पप्पा, अभी मैं यजमान आप मेहमान है। आओ अभी। हाँ आहो, मैं शांत ही हूँ, खाली पेट शांत नहीं है, खाली है ना। अन्ना भाई आप चिंता मत कीजिए, इनको खा लेने दीजिए, फिर इनका बंदोबस्त करता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, सारे पराठे ले लिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनका खून करेंगे हम लोग। होटल में बंदोबस्त करूंगा, होटल में। भारती अगर किती बे, अरे अचार लाना, पराठे खत्म हो जाएंगे इनके।
खत्म हो जाएंगे नहीं, खत्म हो गए। बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं ना ये लोग। ये आई आई। अभी ये वाले धीरे धीरे खाना हाँ, अचार के साथ। देन अचार का क्या, अचार डालना है, आने दो ना। बरबर अचार बाय, जा मेहमानों की थाली में जा और नाश्ते का स्वाद बढ़ा। जा बेटा। भारती ये क्या नया शुरू किया तुमने? अन्ना अचार में जीव होता है, दिल से बोलो तो बात सुनता है हमारी। जा बेटा, जा बेटा, सोनू मुझे जानो। महेंद्र मैं क्या बोलती हूँ, आप भी ऐसा यू 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 करके ट्राई कीजिए ना, शायद आ जाए। अरे हाँ, कम से कम अचार खा के तो हम पेट भर सकते हैं। हाँ, अरे भारती भारती ये मेहमानों को बोलने का प्रयत्न करना कि जा मेहमान जाओ जाओ इस घर से बाहर जाओ। बोलो। बरबर एक मिनट भारती। अन्ना भाई ये खा रहे हैं या खाने की रेस लगा रहे हैं? आपके रिश्तेदार है गुजराती। ओ मराठी मानुस, आप ही ने न्योता दिया था इन दोनों को। अन्ना मुझे मजा नहीं आ रहा है, आप पापा को बोलिए ना कि हमें चिड़ियाघर में बंदर देखने ले जाए। अरे अरे उज्वला बाड़ा, ये यहाँ ऐसे मेहमान आए हैं और तुझे बाहर बंदर देखने जाना है। आप लोग यहाँ घूमने आए हैं? हाँ। ये डॉगी कितना मस्त है ना, चिड़ियाघर के बंदर से भी अच्छा। हाँ वो तो है, इसके साथ खेल भी सकता है। तुम लोग का खाना हो गया है तो चलो। हाँ सब मिलके खेलते हैं, चलो। वाह 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 वाह, इन बच्चों से कुछ सीखना चाहिए हमें। हाँ कैसे एक ही पल में अजनबी से अपने बन गए। और एक हम लोग है उर्मिला बहन, जो अपनों की ओर भी अजनबी की तरह देख रहे हैं। अरे जिनल के पप्पा, मिनेश की मम्मी, आप लोग खाओ, जितना खाना है उतना खाओ। हाँ और दूसरी बात, इसे अपना ही घर समझो और जितना रहना है उतना रहो। हाँ खाओ खाओ, दूध डायो। हे भगवान, हे भगवान। हाँ बोलिए। क्या बोलू, मेरा नाम भगवान देश पांडे है ना, आपने बुलाया ना। भगवान दादा आपसे नहीं, क्या चाहिए आपको? मुझे 1 किलो पेड़ा चाहिए। या अरे एक छोटा सा काम नहीं होता आपसे। कौन सा काम? नहीं नहीं आपसे नहीं भाई साहब, कितना चाहिए? अब आपसे पूछ रहा हूँ कितना दूं? 1 किलो पेड़ा। हाँ नहीं होगा, नहीं होगा आपसे। अरे नहीं नहीं होगा ना, अभी 1 किलो पेड़ा बांध के दे देता हूँ। अरे पेड़े बांधने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं प्रभाकर दादा। तो वो आपको काम बोला था ना, पर्दे के पीछे जाके भूत बन के डराना महेंद्र भाव को, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे कितनी बार बोला पर्दे के पीछे पहले से कोई और था। अरे वो हवा से हिल रहा होगा पर्दा। अरे आओ, ऐसा करके आवाज भी आई, करके आवाज जो है ना वो हवा से आई होगी, आपसे होगा नहीं ये। महेंद्र भाव एंड फैमिली तो गई नहीं, कल्पेश एंड फैमिली आ गई। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा उन सबको घर से बाहर निकालने के लिए। ए मंदर कहाँ जा रहा है? शांति की खोज में। उधर अपने निवास स्थान पर वो कल्पेश भाई और उनका परिवार, देवा 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 देवा, उनके कुल दीपक और दीपिका अपनी सशक्त वाणी के प्रभाव से कोलाहल मचा रहे हैं। वो सब होगा लेकिन वो लोग कर क्या रहे? अरे इसी का जवाब दिया उसने कि बच्चे शोर कर रहे हैं। सीधा नहीं बोलती तो। देवा 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 देवा, वो मिनेश और जिनल बोलते हैं तो गर्जना होती है और चिल्लाते हैं तो ऐसा लगता है कि उन पर कोई अत्याचार कर रहा है। ये मंदार हथियार बन सकता है मेरे वार के लिए।
आए मंदिर वाला, यहाँ जरा बेटा जरा। मुझे ना तुझसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन वो बात अन्ना को नहीं बतानी है। अन्ना को तो बता के ही रहूंगा, लेकिन बात क्या है जो मुझे अन्ना को नहीं बतानी? तू अभी किसकी खोज में जा रहा था? शांति की खोज में। शांति की खोज में जा, शांति को खोज के ला, फिर मैं तुझे शांति से बताता हूँ। पक्का? अरे हो रे वाला, आता हूँ। ये निर्मिति। अरे का? भाई 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 भाई, ये कल्पेश भाऊ तो खाना बंद ही नहीं कर रहे। बहुत ज्यादा भूख लगी होगी उनको। वहनी असुदे। और हाँ, आप वो अचार के बरने के साथ क्या बातें कर रही थी? जा चरबार, जा चरबार। क्या था वो? वो गायत्री ने मुझे बोला कि नींबू मिर्ची में जीव होता है। अलमारी भी हमारी बात सुनती है, ऐसा उसने बोला। ऐसा मैं थोड़ी बोलूंगी। अच्छा, और आपने मान भी लिया? हाँ। है वही नहीं, जाइए फटाफट दूसरा अचार लेके आइए। बराबर। अचार बार, ए नींबू के अचार, आ बाहर आ, आना, आजा आजा। ए निर्मिति, आइए अन्ना। निर्मिति अन्ना, ये अचार की बरनिया सच्ची में सुनती है। अभी क्या बोलने का इसको? आप देखिए हाँ, ए अचार बार, आ बाहर आ, ए बार, ये आना बार, आजा आजा, आना। भारती, भारती, उसको डांट के बुला, बहुत जिद्दी हो गया है वो आजकल। या तो है ना, उसके काल में बोल, पुराना हो गया है ना, 2 साल पुराना, उसकी सुनने की शक्ति चली गई है, थोड़ा ऊंचा बोला, ऊंचा। छत भी गिर जाएगी रसोई घर की। गप बस। ओ व्यंगेश गोखले, अब ये क्या टाइम पास कर रहे आप है? वो मेरे बकासुर कजिन को पना क्यों दे दी आपने? अभी उसका क्या करेंगे ये सोचिए। एक मिनट प्रभाकर दादा, आइडिया। गायत्री और अभिषेक, मैं ऐसी परिस्थिति निर्माण करूंगा कि गायत्री और अभिषेक रात के अंधेरे में पार्टी करते हुए पकड़े जाए। ऐसा होगा तो अन्ना और महेंद्र भाऊ बोलेंगे कि शादी से पहले लड़का लड़की का एक छत के नीचे रहना अच्छा नहीं है। अरे वो नहीं बोलेंगे तो हम दोनों है ना, आप तुरंत बोलेंगे अन्ना से कि अन्ना, महेंद्र भाऊ की फैमिली को और हमारी फैमिली को इस तरह एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। अच्छा, और तू क्या कहेगा? अरे मैं कहूंगा कि मैं सहमत हूँ आपकी बात से, कि प्रभाकर दादा की बात एकदम सही है, मैं आपकी बात का समर्थन करूंगा ताकि सारी बात का श्रेय आपको मिले। आप लेंगे ना श्रेय? लेंगे ना, लेंगे ना। हाँ हाँ, बस तो फिर अब किसी तरह अभिषेक और गायत्री रात के अंधेरे में एक दूसरे के आलिंगन में पकड़े जाए। ऋतिक रानडे, उसका बंगलो खाली है ना? हाँ, वो मैं सारी व्यवस्था वहीं करता हूँ। आपने कहा था ना कि आपको बाथरूम खाली मिले तो नारियल फोड़ना, इसलिए मैंने नारियल फोड़ा। वही नहीं, नारियल फोड़ा का इशारा ऐसे कैसे? अरे मेरे पैर में जब फोड़ा आया था तो मैं ऐसी ही तो चल रही थी, तो ये फोड़ा का इशारा था। लेकिन वो फोड़ा का इशारा ऐसे भी तो आप इशारे में कहाँ उलझ रहे हैं, जाइए जल्दी बाथरूम। चलो अन्ना भाई, आपका बाथरूम एकदम ऐसा साफ चकाचक कर डाला है आपके लिए। धन्यवाद धन्यवाद। और अभी आपका ये सब कचरा साबुन टूथपेस्ट सब फेंक दीजिए, और ये लीजिए नया शैम्पू, फेस वॉश, माउथ वॉश और टूथपेस्ट, इम्पोर्टेड है, मस्त। अच्छा मतलब हमारा सब कचरा और आपका मस्त है?
ये है ना, मुझे नहीं चाहिए ये, आप किसी और को, ज्योत्सना को पूछो। अच्छा वो भी आ रही है साथ में नहाने? क्या आप कुछ भी क्या बोल रही है? अरे मजाक मजाक, अबे एडल्ट्स थोड़ा मजाक किया उसमें क्या अभी। भाई दे, दे, देखो उर्मिला बहन, ऐसा मजाक मेरे साथ में नहीं करने का। आपकी गुजराती जबान में हड्डी नहीं है क्या? ले तो आपकी मराठी जबान में हड्डी होती है, है? एक तो मैं इतने प्यार से मेरे भाई ऐसा समझ के ये सब आपके लिए लेकर आई, और आपको तो बहाना ही चाहिए होता है मेरे साथ झगड़ा करने का। मैं जा रही हूँ राजकोट। हाँ जाओ जाओ, खुशी मिलेगी हमको। जोयू 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 ज्योत्सना बहन, आखिर दिल की बात आ गई ना जुबान पर। सिर्फ बहाने बनाते हैं ये हमारे दुख में दुखी होने के, सब झूठ है। असलियत तो ये है कि आप चाहते ही नहीं थे कि हम यहाँ रहे। मैंने जैसे ही जाने की बात की तो मन में लड्डू फूटने लगे, क्यों? वो भी आपकी गोखले बंदूक के। अरे पूरी बात में हमारी दुकान को क्यों बीच में ला रही हो आप? लड्डू आपकी दुकान पे नहीं क्या मिलते? हाँ लेकिन फूट तो आपके मन में रहे हैं ना। हाँ फूट रहे हैं लड्डू, बहुत खुशी मिलेगी आप लोग के जाने से। इस घर को अपना ही घर समझो उर्मिला बहन, ये बोल के बहुत पछता रहा हूँ मैं। और आप लोग कम थे कि वो कल्पेश ने, रूपल ने, जिन्नल ने, पिंडल ने, टिंडल ने, वो सब लोग भी रुक गए इधर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.